नाज़रीन, सानिया रोडो सुल्तान को गुजरे 25 साल हो गए। यादें आज फिर 16 मई को ताज़ा हो गई हैं, आंखें आज भी नम हैं। ऑयल टैंकर हादसा पेश आया था जिसमें 100 से ज़ायद अफराद जान बहक हुए थे। जंग में 16 मई 1999 बारूद एतवार जंग की तहसील 18 हज़ारी से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासला पर मौजूद इलाका रोडू सुल्तान में ऑयल टैंकर गधा गाड़ी को बचाते हुए बेकाबू होकर गिर पड़ा था, जिस की वजह से तेल ज़मीन पर बहना शुरू हो गया और सुबह के वक्त होने की वजह से दुकानदार उस वक्त दुकानें खोल रहे थे कि हादसा देखकर वो उस तरफ दौड़े चले आए। स्कूल से छुट्टी होने से तलबा भी इर्द गिर्द जमा हो गए। कुछ ही देर बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ जहां तेल था आग लग गई, जिसकी जद में आकर 100 से ज़ायद अफराद दुख्माए अजल बन गए थे। 16 मई को एक बार फिर आज के दिन वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। 25 साल तो बीत गए मगर आंखें आज भी अश्कबार हैं। 16 मई वो दिन जब जंग के तहसील 18 हज़ारी के नवाही इलाका रोडू सुल्तान में 100 से ज़ायद अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए थे और इमदादी टीमें वहां पर मौके पे पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ किया गया। कई रोज़ तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और 100 से ज़ायद अफराद झुलस कर जाँ बहक हुए, जबकि मुतद्दद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। जहां ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई, वहां इस मामले पर तहकीकात भी की गई। ये वाकया ज़रा सी गफलत के बायस पेश आया। उसके बाद सानिया बहावलपुर को देखें और उसके बाद कई और वाकयात पेश आ चुके हैं। हमें ज़रूरत है कि जब भी कोई ऑयल टैंकर अगर उलट जाए तो वहाँ से दूर हो जाएं, क्योंकि इस वक्त रेस्क्यू 1122 जो है वो काफ़ी इन कामों में आगे है और अब कोई अगर ऐसा हादसा होता है तो फौरी तौर पर उस एरिए को, उस जगह को कॉर्डन कर दिया जाता है। चूँकि उस वक्त इस तरह की कोई मौजूद सर्विस नहीं थी तो वहाँ जिस जगह हादसा हुआ वहाँ पर इर्द गिर्द लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए थे और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और आग भड़क उठी और उस आग की जद में आकर 100 से ज़ायद अफराद दुख्माए अजल बन गए।